आप चीफ दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केज्रीवाल को बिग रिलीफ दक्किंदे लिक्कर स्कैम लो आयनकु सुप्रीम कोर्ट बेल मंजूर चेसिंदे दीन तो 5.5 नेलल तर्वात केज्रीवाल तिहार जैल नुंचि रिलीज कानुन्नारु सीबीआई केस लो बेल इस्तू तीर्पुनिच्चिंदि जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस उज्जल भुयान धर्मासनं इप्पटिके ईडी केस लो केज्रीवाल को बेल वच्चिंदि सीबीआई केस लो बेल राकपोवडंतो इन्नि रोजुलु तिहार जैल लो उन्नारु दिल्ली सीएम सीबीआई केस लोनु बेल रावडंतो सायंत्रं वरकु आयन जैल नुंचि रिलीज कानुन्नारु केज्रीवाल अरेस्ट चट्ट विरुद्धं कादनि अभिप्रायपडिंदि सुप्रीम कोर्ट అయితే సుదీర్ఘ జైలు శిక్ష అంటే స్వేచ్ఛను హరించడమేనంది కోర్టు 10 లక్షల పూచీకత్తుతో పాటు ఇద్దరు ష్యూరిటీలతో బెయిల్ మంజూరు చేసింది ధర్మాసనం ట్రయల్ కోర్టు విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది సుప్రీం లిక్కర్ కేసులో ఈ ఏడాది మార్చి 21న ఈడీ జూన్ 26న కేజ్రీవాల్ను అరెస్ట్ చేసింది సిబిఐ జూలై 12న ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్కు మధ్యంతర బెయిల్ వచ్చింది ఆప్ చీఫ్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్కు బిగ్ రిలీఫ్ దక్కింది లిక్కర్ స్కామ్ లో ఆయనకు సుప్రీం కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. దీంతో 5.5 నెలల తర్వాత కేజ్రీవాల్ తిహార్ జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. ఇక సీబీఐ కేసులో బెయిల్ ఇస్తూ తీర్పునిచ్చింది జస్టిస్ సూర్యకాంత్ జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ధర్మాసనం. ఇప్పటికే ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్కు బెయిల్ వచ్చింది. సీబీఐ కేసులో బెయిల్ రాకపోవడంతో ఇన్ని రోజులు తిహార్ జైల్లో ఉన్నారు ఢిల్లీ సీఎం. సీబీఐ కేసులోను బెయిల్ రావడంతో సాయంత్రం వరకు ఆయన జైలు నుంచి రిలీజ్ కానున్నారు. आप चीफ दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केज्रीवाल को बिग रिलीफ दक्किंदे लिक्कर स्कैम लो आयन को सुप्रीम कोर्ट बेल मंजूर चेसिंदे दींतो 5.5 नेलल तर्वात केज्रीवाल तिहार जैल नुंचि रिलीज कानुन्नारु इक सीबीआई केसुलो बेल इस्तू तीर्पुनिच्चिंदि जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस उज्जल भुयान धर्मासनं इप्पटिके ईडी केसुलो केज्रीवाल को बेल वच्चिंदि सीबीआई केसुलो बेल राकपोवडंतो इन्नि रोजुलु तिहार जैल्लो उन्नारु दिल्ली सीएम सीबीआई केसुलोनु बेल रावडंतो सायंत्रं वरकु आयन जैल नुंचि रिलीज कानुन्नारु కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ చట్ట విరుద్ధం కాదని అభిప్రాయపడింది సుప్రీం కోర్టు అయితే సుదీర్ఘ జైలు శిక్ష అంటే స్వేచ్ఛను హరించడమేనంది కోర్టు 10 లక్షల పూచీకత్తుతో పాటు ఇద్దరు ష్యూరిటీతో బెయిల్ మంజూరు చేసింది ధర్మాసనం ట్రయల్ కోర్టు విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది సుప్రీం ఇక లిక్కర్ కేసులో ఈ ఏడాది మార్చి 21న ఈడీ జూన్ 26న కేజ్రీవాల్ను అరెస్ట్ చేసింది సిబిఐ జూలై 12న ఈడీ కేసులో కేజ్రీవాల్కు మధ్యంతర బెయిల్ వచ్చింది एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार देशभक्त कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे हजारों तरह की साजिशें रची एक कट्टर ईमानदार आदमी को काम करने वाले आदमी को जनता के दर्द के जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था उनको उठा के जेल में डाला इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं उनको सलाम करते हैं उनका धन्यवाद करते हैं हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है झूठ भी एक्सपोज हुआ है जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया हम बार बार कह रहे थे सिंघवी साहब ने हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती पार्टी को नहीं तोड़ पाती तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए धन्यवाद करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता एक एक लीडर पार्षद MLA MP सबको भी बधाई देना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी वो टूटे नहीं हटे नहीं झुके नहीं सच्चाई के साथ लड़े रहे सच्चाई की जीत हुई है हम बहुत खुश हैं आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी देखिए सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूँगा
वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की, मुझे लगता है, बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर माँ ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी। और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे।